मैंने आपको बताया ना, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो इन पिक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे दो श्रेणी बनी हुई है, मैंने आपको बताया था कि एक श्रेणी जो है 100 होती है, तो दो श्रेणी क्या होगी 200। तो इस बॉक्स में हम लिख देंगे 2। वन जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है 1 टेंस को, तो यहाँ कितनी लाइन्स है, 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस एंड 5 टेंस। तो यहाँ 5 लाइन्स है, तो रिप्रेजेंट करिए 5 टेंस को, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। यहाँ कितने बॉक्स है, सिंगल बॉक्स क्या आते हैं, 1 1 1, 2 1, 3 1। तो यहाँ पे कितने 1 है, 3 1 है, तो हम ले लेंगे 3। तो अब हमें यहाँ पे प्लेस वाले चार्ट का बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे 1 भी है, 10 भी है, 100 भी है। अब हम इन नंबर्स को अपने अपने प्लेस पे लिख देंगे। 1 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 3 नंबर है, तो हम अपने 1 प्लेस पे लिख देंगे 3। यहाँ पे 10 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5 नंबर है, हम यहाँ पे 10 प्लेस पे लिख देंगे 5। यहाँ पे 200 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, तो हम 100 प्लेस पे लिख देंगे 2। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर वो आपको करने हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द चार्ट फ्रॉम 101 to 200। ठीक है, आपको काउंटिंग करनी है 101 से 200 तक। बस आपको इस तरीके से एक बॉक्स मिलेगा बुक के अंदर, इस तरीके से कई जगह पे नंबर लिखे होंगे, कई जगह पे नंबर नहीं लिखे होंगे, जैसे कि आप ये बॉक्स लिख रहे हैं, यहाँ पे कई जगह पे नंबर है, कई जगह पे नंबर नहीं है। आपको 1 1 ऐड करके ये यहाँ से 101 से लेकर 200 तक काउंटिंग कम लिख सकते हैं उसमें। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है, 261 से लेकर 200 तक को हमें चार्ट करना है, हमें काउंटिंग कम्प्लीट करनी है। कैसे करेंगे, 1 1 ऐड करके 261 में 1 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, कई जगह पर हमें नंबर लिखे होंगे, कई हमें नहीं लिखे होंगे। नेक्स्ट है वहाँ पर हमें कम्प्लीट काउंटिंग करनी है 351 से लेकर 400 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें काउंटिंग कम्प्लीट करनी है 421 से लेकर 470 तक। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या करना है, काउंटिंग कम्प्लीट करनी है कहाँ से लेकर कहाँ तक, 571 से लेकर 600 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हमें कम्प्लीट काउंटिंग करनी है, यहाँ पे हमें बेसिक जो है काउंटिंग कम्प्लीट करनी है कहाँ तक, 1000 तक है। तो यहाँ पे 641 से लेकर 680 तक। अगले क्वेश्चन के अंदर 701 से लेकर 740 तक काउंटिंग कम्प्लीट करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन अपने 831 से लेकर 860 तक काउंटिंग कम्प्लीट करनी है। एंड कम्प्लीट चार्ट कहाँ से लेकर, 961 से लेकर 1000। तो ये हमें काउंटिंग कम्प्लीट करनी है, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर से बॉक्सेस मिलेंगे, आपको बस थोड़े थोड़े काउंटिंग में 1 1 ऐड करके कंटिन्यू करनी है। बीच बीच में आपको नंबर दिए गए होंगे, उन नंबर्स को स्किप करना है और उसके अंदर 1 ऐड करके अपने काउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो आपकी टोटल काउंटिंग क्वेश्चन नंबर 10 तक है, जिसके अंदर क्या है 1000 तक हमारी काउंटिंग हम कम्प्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर राइट द नंबर नेम्स। नंबर को हमें नेम में कन्वर्ट करना है, मतलब स्पेलिंग में कन्वर्ट करना है। हमने किया था ये, मैं फिर से बताती हूँ, हम इनको पहले बॉक्स के अंदर डाल लेंगे। ओके, कौन से बॉक्स में प्लेस पे चार्ट कर लेंगे, 1, ये 10 और ये 100। ठीक है, हमने इसको बॉक्स में डाल लिया। तो ये 100 जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये बॉक्स में डाला हुआ, तो 200 जो बॉक्स में, इसको किस तरीके से लिखा था हमने, 200। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 4 जो है 100 के बॉक्स में हम लिखेंगे 400। ठीक है, 7 जो है 10 बॉक्स में, यहाँ पे 5 टेंस बॉक्स में था, तो इसके लिखते 5 टेंस। तो ये क्या है, 7 टेंस बॉक्स में हम इसे लिखेंगे 7 टेंस। 8 जो है 1 प्लेस पे, यहाँ पे क्या 3 मंथ्स प्लेस पे था, तो हम इसको कैसे लगा 3 मंथ्स, यहाँ पे 8 मंथ्स के प्लेस पे हम लिखेंगे 8 मंथ्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 300 को किस तरीके से लिखा जाता है, 300 लिखा जाता है, सॉरी जो 100 है उसे लिखा जाता है 100। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये हो जाएगा 400। ये क्या है, 7 टेंस है, 7 टेंस को कह सकते हैं, जब हम 1 टेंस को लिखते हैं 10, तो 7 टेंस को कह लेंगे 70। और 1 को 8 मंथ्स को 1 1 1 आपसे से सबसे पर, जब हम 100 को लिखते हैं 100, 1 टेंस को लिखते हैं 10 एंड 1 1 को लिखते हैं 1। तो इसी तरीके से 400 है, तो 400 को हम कह लेंगे 400। 10 टेंस है, तो 10 टेंस को लेंगे 7070 एंड 1 1 को हम ऊपर लिखते हैं, तो 8 1 को करेंगे 8। ठीक है,
ये क्या है 70 और ये क्या है 8, तो लिख दिया हमने यहाँ पे एचडीएसपी 8। ओके, इस तरीके से करना है। पहले हम इसको अपने बॉक्सेस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उसको नंबर फॉर्म में चेंज करेंगे। 100 को जब हम 100 लिखते हैं तो 400 को हम 400 लिखेंगे, तो 710 को हम 10 लिखते हैं, 710 को 70 लिखेंगे, एंड 11 को जब हम 1 लिखते हैं तो 11 को भी हम 80 लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमने हम इसे नंबर फॉर्म में कैसे लेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वन